Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This is Seema from Bihar's Jamui district. A video of her going to school has now gone viral on social media. The 10-year-old girl lost one leg to a tragic accident just 2 years ago. But her passion to study never stops her from going to school every day. Seema's school is 1 kilometer away from her house. A class 4 student of middle school in Fatehpur, Seema's viral video has won hearts of people all over the country. Delhi CM Arvind Kejriwal reacted to the video saying, "Every child in the country wants a good education. I know that every government has enough resources. To give the best education to every child like Seema should be the mission of every true patriot. This is true patriotism." Bollywood actor Sonu Sood came forward to extend his help to Seema. "Now she will go to school on not one but both feet. I'm sending the ticket. The time has come to walk on both feet," he said. DM of the Maoist affected Jamui district Avnish Kumar Singh on Wednesday visited the girl's home and gifted her a tricycle. He said that Seema is setting an example to promote education of girls in her village. "We are working to provide her with a prosthetic leg." इन प्रकार के माध्यमों से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि बच्ची सीमा यहाँ पर खैरा अंचल अंतर्गत फतेहपुर गांव है, यहाँ की है, और एक पूर्व में दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप बच्ची के पैर को काटना पड़ा था। लेकिन इन तमाम चुनौतियों विषमताओं के बावजूद बच्ची अपनी प्रेरणा से विद्यालय जा रही है, तो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी एवं उत्साहवर्धक बात है। और घटना के संबंध में इस बारे में जानकारी मिलने पर हम सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने यहाँ पर भ्रमण किया है और बच्ची को ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। साथ में आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए भी हम लोगों ने बात कर लिया है और जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इनके विद्यालय के शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि बच्चों की संख्या विद्यालय में अधिक है, इसलिए वहाँ पर एक अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण भी हम लोग 1 महीने के भीतर पूरा कराएंगे। और जिस प्रकार से बच्ची की लगन है, तन्मयता है, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोग 1 महीने के भीतर एक स्मार्ट क्लास का निर्माण भी इनके विद्यालय में करवाएंगे। इसके जज्बे को सर एक डीएम किस रूप में देखते हैं? देखिए, बच्ची का जज्बा हम सभी के लिए सलाम करने लायक है और इस उदाहरण को देखते हुए मैंने जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जीविका दीदियाँ हैं, शिक्षकगण हैं, शिक्षा विभाग के विभिन्न जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप प्रत्येक टोले मोहल्ले जा करके ऐसे बच्चों का सर्वे जरूर करें। यद्यपि अधिकांशता बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस बच्ची के साथ घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण वश कुछ बच्चे छूट जा रहे हैं, तो यह बच्ची का उदाहरण इस बात की प्रेरणा देता है कि जा करके एक बार और गहराई से देखें और किंचित कारणों वश यदि कोई बच्चा छूट गया है तो उसको निश्चित रूप से विद्यालय में। सर, बच्ची बहुत सामाजिक सहयोग से तात्कालिक रूप से हम लोग प्रोत्साहन राशि बच्ची को दे रहे हैं और इसके अलावा जो भी अन्य सरकारी सुविधाएं हैं, राशन कार्ड और अन्य है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और निश्चित रूप से सभी सुविधाएं दी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। Seema's parents are laborers and she is the second eldest among her 6 siblings. Seema wants to be a teacher and educate all the kids in her village. This is Anusha Borupati for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.